नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। नगर सरकार में आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 13 जगहों से उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए गए। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा आम आदमी पार्टी प्रभारी सुशील गुप्ता ने ये लिस्ट जारी की है। चेयरमैन पद के लिए 13 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने लिस्ट जारी की है और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, चेयरमैन पद के लिए 13 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा की ओर से जो 13 उम्मीदवारों की लिस्ट है चेयरमैन पद के लिए, उसे जारी कर दिया गया है। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, भिवानी सिंधु चरखी दादरी से जो नाम है वो भी सामने है। वहीं साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि कोशिश इस समय यही है तमाम राजनीतिक दलों की कि नगर निकाय चुनावों में अपनी पार्टी का डंका बजाया जा सके। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, आम आदमी पार्टी की ओर से 13 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और ऐसे में ये आपसे समझना चाहेंगे कि इस लिस्ट में कौन कौन से सियासी दावपेच है जिनका ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जो निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जिस तरीके से बात करें, 13 जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, उनके नामों की यहाँ पर घोषणा कर दिया है। भिवानी से बात करें इंदु की, चरखी दादरी से शिवेंद्र सिंह, हाथी से यशपाल सिंह, जिंद से जगदीश, सीता से मनदीप कौर, तमाम अलग अलग लोकेशन है वहाँ से सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो काफी ज्यादा एक्टिव आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, राजा पटेल, नगर निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कोशिशें भी की जा रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो क्या कुछ यहां पर रणनीति अपनाई जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से? और बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो प्रभारी हैं, कल भी उनसे हमारी बात हुई थी, वो कह रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी थी, जानकारी मिली थी तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, एलओ की बात करें। जी राजा पटेल, और देखिए इस समय जो है आम आदमी पार्टी की ओर से या फिर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कोशिश यही की जा रही है नगर निकाय चुनावों में अपना डंका बजाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भिवानी से इंदु को टिकट दिया गया है। अगर बात निकाय चुनावों के लिए की जाए तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन रहने वाले हैं, चरखी दादरी से शिवेंद्र सिंह का नाम जो है वो सामने आया है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। वहीं साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि हांसी से यशपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हांसी से यशपाल सिंह, वहीं जींद से रजनीश को उम्मीदवार बनाया गया है निकाय चुनाव के लिए। और वहीं दूसरी तरफ चीका से मनदीप कौर को उम्मीदवार बनाया गया है निकाय चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। कैथल से नीलम रानी को उम्मीदवार बनाया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। वहीं घरौंडा से सुरेंद्र सिंगला को उम्मीदवार बनाया गया है। तो घरौंडा से सुरेंद्र सिंगला को उम्मीदवार बनाया गया है और असम से सोनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। 13 जो नाम है वो सामने आ चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। नारनौल से सोनू सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो नारनौल से सोनू सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है और इसके अलावा पलवल से नवीन रोहिला को उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट सामने आ चुकी है। रानिया से राजेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सफीदों से सुनीता सैनी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। और कुंडली से कुमारी अंजलि मैदान में है आम आदमी पार्टी की तरफ से। पंचकुला में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, बीजेपी निकाय चुनाव समिति की बैठक हुई। निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन किया गया। तो पंचकुला में निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया, बीजेपी निकाय चुनाव समिति की बैठक हुई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान। बीजेपी चुनाव समिति और जिलों की टोलियों की बैठक हुई। उनकी ओर से कहा गया, नगर निकाय चुनाव पर चर्चा हुई, सभी से पैनल मांगे गए हैं, कहीं दो कहीं तीन का नाम पैनल बनाया गया है। समीकरण के हिसाब से कल बैठक होगी, कल शाम या फिर परसों उम्मीदवारों की घोषणा होगी। नगर परिषद सिंबल पर लड़ाई लड़ रहे हैं
नगरपालिका और वार्ड जिला इकाई पर छोड़ा, ये उनकी ओर से अपना बयान दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, समीकरण के हिसाब से कल बैठक होगी, ये उनकी ओर से कहा गया है। कल शाम या फिर परसों को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया है। बीजेपी चुनाव समिति और जिलों की टोलियों की बैठक हुई। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए तीनों पार्टियों की ओर से, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बात बीजेपी की करें, कोशिशें की जा रही है नगर निकाय चुनावों में अपना डंका बजाया जाए, वहीं बीजेपी की ओर से अभी भी मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक लंबी मैराथन बैठक हम कह सकते हैं जो हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की थी, वो बैठक हुई सुबह 11 बजे से लेके अब देर शाम तक ये बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के तमाम बड़े नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी सिंह वो मौजूद रहे, कृषि मंत्री वो मौजूद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह। तो अनिल मोर के साथ एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी की ओर से अभी भी मंथन किया जा रहा है, बैठकों का दौर लगातार जारी है नगर निकाय चुनावों को लेकर। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान भी सामने आया है। बीजेपी चुनाव समिति और जिलों की टोलियों की बैठक हुई है, ये उनकी ओर से कहा गया। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का ये बयान भी सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हो सकता है कि परसों तक जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए। तो बीजेपी निकाय चुनाव समिति की बैठक हुई, निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार मंथन तेज। नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन हुआ। और अनिल मोर हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मंथन किया गया है अनिल मोर, बीजेपी की ओर से निकाय चुनावों को लेकर और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। उम्मीदवारों पर ध्यान देते हुए बीजेपी इस बार किन समीकरणों पर फोकस करेगी? देखिए, लंबी मैराथन बैठकें हुई हैं, बैठक के बाद तय हुआ है बीजेपी की तरफ से फिलहाल जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार फाइनल नहीं किए गए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से बातचीत की, उनकी तरफ से कहा गया कि जो आज जो चर्चा हुई है, जो चुनाव समिति के सदस्य हैं, टोली के सदस्य, उन नेताओं से बातचीत हुई है। तमाम जिलों को लेकर पैनल लिए गए हैं, पैनल यहाँ पर बनाए गए हैं। जितनी भी जो जिला इकाइयाँ यहाँ पर पहुँची थी, जिलों से बड़े नेता पहुँचे थे, उनकी तरफ से अपने अपने संबंधित जिलों से संबंधित जो पैनल है वो सौंप दिए गए प्रदेश अध्यक्ष को। हर जो नगर परिषद जहां पर बीजेपी सिंबल पर लड़ेगी, वहां पर दो या तीन नामों का पैनल बनाया गया है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, इन तीनों की बैठक होगी। अब इन तीनों की तरफ से फैसला लिया जाना उम्मीदवारों को लेकर, कल इन तीनों की बैठक होगी। फिर उस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बताया गया तो कल शाम को या फिर परसों सुबह जो उम्मीदवार है, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल सहमति नहीं बनी है, फिलहाल पैनल है वो तैयार किए गए हैं। पैनल में जो भी नगर परिषद है, जो 18 नगर परिषद है जहाँ पर बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, उनको लेकर 2 से 3 नामों के पैनल तैयार किए गए हैं। कल एक बार मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी तीनों की बैठक होगी। उस बैठक के बाद कल शाम को या परसों सुबह जो नाम है वो डिसाइड कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो नामों का इंतजार रहेगा। और कहीं ना कहीं देखिए अनिल मोर, हालांकि बात चाहे अगर आम आदमी पार्टी की करें या फिर बाकी जो उम्मीदवार हैं जिनके लगातार नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में भी दिखाई दे रही है। गहरे मंथन के बाद देखना होगा कि बीजेपी कैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। देखिए बिल्कुल, ये बात भी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई है कि वो सोच रहे, उनका कहना था कि हम तो सोच रहे थे कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस चुनाव से भाग चुकी है और अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, विपक्ष तो हमारे सामने है ही नहीं। जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भले ही हरियाणा में कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अभी उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं कैडर नहीं है। लेकिन और यही ओम प्रकाश धनखड़ का कहना था कि अगर कांग्रेस होती तो हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ते, लेकिन अब तो कांग्रेस है ही नहीं, तो हमें ही अब
अब जो हमारा वोट है, वोट हमें हमारा वोट लेना है, जो वोट प्रतिशत है हमें उसको बढ़ाना है। अब किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन रहेगा, आम आदमी पार्टी की बात करें कुछ सीटों पर उनकी तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जेजेपी की बात करें जेजेपी ने भी कल कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और अब कहीं ना कहीं जो आज बैठक हुई, आज बैठक में पैनल तैयार कर लिए गए हैं, पैनल बनाए गए हैं नगर परिषद को लेकर, कल मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी की बैठक होगी, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों की घोषणा है बीजेपी की तरफ से वो कर दी जाएगी। और कहीं ना कहीं उन पर अध्ययन करने के आगे जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी विकास के कार्य करवाए गए उन विकास के कामों के आधार पर जो वोट है बीजेपी की तरफ से मांगे जाएंगे। फिलहाल अगर बात करें बैठक काफ़ी देर पहले खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर में जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष है वो यहाँ से आएंगे, उनका क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री अनिल विज भी यहाँ पे मौजूद है, वो अब से थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे, क्योंकि बैठक में जो कहीं ना कहीं जो सलाह मशवरा करना था, जो चर्चा करनी थी वो चर्चा हो चुकी है, कल बैठक होगी, उसके बाद कल शाम को या फिर परसों उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी जाएगी। बिल्कुल, देखना होगा कि कौन कौन से उम्मीदवार शामिल होंगे बीजेपी के इस लिस्ट में। वहीं दूसरी तरफ अनिल मोर, देखिए ये भी कहा जा सकता है विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद बीजेपी पहले से ही गदगद थी, लेकिन उसके बावजूद भी बैठकों पर जोर दिया गया, मंथन लगातार किए गए, चुनावों के बाद भी भले ही विधानसभा चुनावों को जीत लिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में अगर नगर निकाय चुनावों की बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी के लिए मैदान साफ सा नजर आ रहा है, कांग्रेस के चुनाव को सिंबल पर न लड़ने के बाद। वहीं आम आदमी पार्टी के जनाधार को देखते हुए बीजेपी क्या उत्साहित भी नजर आ रही है? देखिए यही बात ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से कही गई, उनका कहना था कि अगर कांग्रेस मैदान में होती तो हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ते, लेकिन अब कांग्रेस मैदान में नहीं है, जेजेपी की तरफ से कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, आम आदमी पार्टी अभी हरियाणा में नहीं है, वो भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला रहने वाला है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्य मुकाबला बीजेपी का निर्दलीयों से हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे कहीं ना कहीं उनके सामने जो भी जो चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे ज़्यादातर लोग निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मानकर जाएगा कि निर्दलियों से मुकाबला बीजेपी का रह सकता है, और कहीं ना कहीं एक सीट पर कई निर्दलीय चुनाव मैदान में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने सबसे पहला काम यही है जैसा ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमारे वोट थे हमें मत प्रतिशत मिला था हमें वो लेकर चलना है। थोड़ी ही देर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका धनखड़ वो आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलर्ट हो गया है, गृह मंत्री अनिल विज भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी किसी पल यहाँ पर आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की तो यही कोशिश रहेगी कि जो बीजेपी का शहरों में वोट है उस वोट को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जो हरियाणा सरकार की तरफ से विकास के काम किया है शहरों को लेकर, जो भी विकास की योजनाएं प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई उसी के आधार पर वोट मांगे जाए, और कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है उम्मीदवारों को जो चयन किया जा रहा है चयन को लेकर कहीं ना कहीं आप खुद देखिए सुबह 11 बजे से शाम तक बैठक हुई है, और कहीं ना कहीं एक मैराथन बैठक बीजेपी की तरफ से हुई है, और उन बैठकों में कहीं ना कहीं जितने भी जो बीजेपी की तमाम बड़ी लीडरशिप थी वो सारी की सारी मौजूद रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी की कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज में कोई कमी नहीं है, और आप खुद देख सकते हैं गृह मंत्री अनिल विज साहब भी आ चुके हैं, वो भी जा रहे हैं, वो भी सारे दिन से बैठकों में मौजूद थे, और आप ओम प्रकाश धनखड़ भी फिलहाल यहीं पे मौजूद है बीजेपी ऑफिस में, कल जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो कर दी जाएगी, गृह मंत्री साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले विज साहब, एक लंबी बैठकें आज दिन भर हुई है, क्या कुछ लग रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर, कितने गदगद है आप लोग? पूरी तरह से पार्टी की तैयारियाँ हैं, और पूरी आज सारा दिन इसके ऊपर गहराई से चर्चा की गई है। सर एक सवाल राज्यसभा चुनाव का कर लेते, 3 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं राज्यसभा चुनाव के सर आपको, बीजेपी के लिहाज से कैसे देखते हैं? अभी तो खेल शुरू हुआ है, इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। खेल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस तो अपने विधायकों को छुट्टियों पर लेके जा रही है वीर साहब। अब मैंने कहा ना इंतजार कीजिए, राज की बात है, राज रहने दीजिए। विज साहब थे कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कहीं ना कहीं चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि खेल शुरू हो चुका है और ये राज की बातें होती है, राज ही रहने दीजिए। जी बिल्कुल अनिल मोर, और जिस तरीके से बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही है, अब देखना होगा कि जो जिताऊ उम्मीदवार है बीजेपी उन पर जो फोकस कर रही है, कितने जिताऊ उम्मीदवार वो साबित हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। छोटी नगर परिषद, नगर परिषद को इसमें 18 ही और नगर परिषद में वो जैसे नारनौल नगर परिषद है उसमें 72,600, जैसे हांसी नगर परिषद है उसमें 60,000 वोट है, तो
और नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी सीट पर लड़ रहे हैं। और 28 तारीख की हिसार की बैठक में हमने ये तय किया था कि नगर पालिका ये जिले की इकाई पर हमने छोड़ दी। आज प्रदेश का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा है, ओम प्रकाश जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित हैं, रविंद्र राजू और चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंद्र जी, सुधा यादव, रतनलाल जी कटारिया, अनिल जी बेज और हम सब लोग उसमें आज एक एक नगर परिषद को लेकर के जो संबंधित सांसद थे, संबंधित विधायक थे, संबंधित मंत्री थे और आज बहुत सा एक काम पैनल बन गए हैं, सब बन गए। कल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी प्रभारी आएंगे और कल हम ये 46 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के ज्यादातर उम्मीदवारों का हम निर्णय करेंगे। सर अजय चौटाला कह रहे हैं, अजय चौटाला कह रहे हैं। और चलिए अब एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जींद में निकाय चुनाव को लेकर बोले इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, निकाय चुनावों में जेजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये उनकी ओर से कहा गया। कांग्रेस ने तो खुद चुनाव न लड़कर अपना खात्मा ही कर लिया, इनेलो ने सब जगह प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए, ये उनकी ओर से कहा गया है। जो बड़ी खबर आपको बता रहे, जींद में निकाय चुनाव को लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने तो सिंबल पर चुनाव ना लड़ने के बाद अपना खात्मा ही कर लिया। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 जून तक ये नामांकन प्रक्रिया होनी है। अब तक कई लोग अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। निकाय चुनाव के लिए अब उम्मीदवारों ने नामांकन भरना भी शुरू कर दिया है। इन निकाय चुनावों में कुल 18,30,000 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। फतेहाबाद में भी निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। नामांकन के तीसरे दिन भी 16 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए। आपको बता दें कि फतेहाबाद के अलग अलग वार्डो से अब तक 18 उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं। वहीं चेयरमैन पद के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नगर परिषद कार्यालय में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की दिन भर आवाजाही देखने को मिली। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर काटते भी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के निवर्तमान उप प्रधान मामन चंद ने भी भिवानी के वार्ड 25 से पार्षद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि जमीन घोटाले में मामन चंद को गिरफ्तार किया गया है। वाइस चेयरमैन मामन चंद रसीद और जमीन घोटाले में मुख्य आरोपी है। पुलिस कई दिनों से मामन चंद की तलाश कर रही थी। यहां तक कि पुलिस ने कई जिलों के साथ बाहरी राज्यों में भी छापेमारी की थी, जिसके बाद 24 मई को मामन चंद ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बहादुरगढ़ में भी कुछ इस तरह की ही प्रक्रिया देखने को मिली। यहां पर भी नामांकन का दौर देखने को मिला। भिवानी से जगवीर घनगस और फतेहाबाद से जसपाल सिंह, खबरें अभी तक। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। फतेहाबाद में नामांकन का दौर जारी है। नामांकन के तीसरे दिन 16 नए लोगों ने अपना नामांकन भरा। अब तक 18 उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं। नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 नए लोगों ने अपना नामांकन भरा और अभी तक अगर बात की जाए तो कुल 18 उम्मीदवार अपना नामांकन भर चुके हैं। तो नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और तीनों अगर पार्टीज की बात की जाए तो कांग्रेस का आप सभी के सामने है, सिंबल पर चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से हाल ही में लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और इनेलो निशाना साध रही है। नगर निकाय चुनावों को लेकर फिलहाल क्या कुछ तस्वीर है, फतेहाबाद से जायजा लिया है हमारे संवाददाता फतेह जसपाल ने, देखिए। तेज हो चुकी है फतेहाबाद में। आज नामांकन का तीसरा दिन था। तीसरे दिन टोटल जो है उम्मीदवार 18 उम्मीदवारों ने है नामांकन पत्र भरा है और उसमें एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर एक चेयरमैन पद के लिए भी नामांकन आज जो है भरा गया है। अभी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो लगातार तेज हो चुकी है और ईवीएम की भी बात करें तो ईवीएम की तैयारी भी वो भी शुरू हो चुकी है और जिन लोगों ने जो नामांकन अपना जो पत्र भरा है उन्होंने अपने जो है
प्रचार प्रसार है वो शुरू कर दिया है। अब लगातार ऐसी चुनावी प्रक्रिया है, नगर निकाय चुनावी प्रक्रिया है, वो लगातार शुरू हो चुकी है और लगातार अपना प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। खबरें अब तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। पलवल में नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज। पलवल में कुल 31 वार्डों के लिए वोटिंग होगी। करीब 1.25 लाख मतदाता मत का इस्तेमाल करेंगे। पहली बार सीधा चेयरमैन का चुनाव होगा तो काफी दिलचस्प यहां भी मुकाबला रहने वाला है। 31 वार्डों के लिए यहां पर वोटिंग की जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, करीब 1.25 लाख मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। हमारे संवाददाता दिनेश ने पलवल से जायजा लिया, देखिए। सरकार में आज हम पहुंचे हैं पलवल के वार्ड नंबर 24 में। बात करें वार्ड नंबर 24 की तो यहां वार्ड नंबर 24 में 4186 वोट हैं। मौजूदा पार्षद यहां के देवदत्त शर्मा हैं। और वार्ड नंबर 24 की बात करें तो यहां पर अभी भी मूलभूत समस्याएं हैं। बात करें साफ सफाई की तो सफाई समय पर नहीं हुई, घर से कूड़े का उठान समय पर नहीं हुआ। हालांकि डोर टू डोर कलेक्शन का ठेका नगर परिषद ने दिया था, लाखों रुपए रोजाना खर्च होते सफाई के नाम पर, फिर भी शहर की वार्ड की सफाई नहीं हो पाई। मैं बता दूं कि पलवल के वार्ड नंबर 3, 5, 8, 9, 16, 24, 28, 30 आरक्षित हैं। वार्ड नंबर 1, 2, 6, 7, 12, 19, 21, 25 महिलाओं के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 22 और 29 ओबीसी के लिए आरक्षित है। बात करें पलवल ये नगर परिषद की 1.25 लाख मतदाता हैं और यहाँ पर की बार सीधा चुनाव हो रहा है यहाँ के चेयरमैन के लिए। हालांकि बात करें तो आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ रही है, उन्होंने अपनी टिकट भी घोषित कर दी है। नवीन रोहिल्ला पलवल से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी होंगी चेयरपर्सन के पद के लिए। और बात करूं तो कांग्रेस इस चुनाव में बिना सिंबल के लड़ रही है। बीजेपी भी इस चुनाव में अब की बार सिंबल पर अपना चुनाव लड़ेगी। बात करें इनेलो की तो इनेलो भी जो चेयरमैन का पद है उस पर सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। सभी मतदाता लगातार अपने नेताओं की तरफ देख रहे हैं, नेता जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशी मतदाताओं का मन टटोल रहे हैं। और महेंद्रगढ़ में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया धीमी नजर आ रही है। प्रधान पद के लिए 1 नामांकन दाखिल हुआ है, पार्षद के लिए 2 नामांकन दाखिल हुए हैं। तो महेंद्रगढ़ में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया फिलहाल यहां पर धीमी नजर आ रही है। प्रधान पद के लिए 1 नामांकन दाखिल हुआ है। महेंद्रगढ़ से संवाददाता सुशील शर्मा ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। के अंदर नगर निकाय के चुनाव जैसे आ रहे हैं वैसे सियासी पारा चढ़ने लगा है। 30 तारीख से नामांकन पत्र दाखिल होने शुरू हुए थे लेकिन 2 दिन तक किसी भी ने नामांकन नहीं किया। आज नामांकन के तीसरे दिन प्रधान पद के लिए 1 नामांकन आया जबकि पार्षद पद के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए। इस तरीके से आज कुल 3 नामांकन पत्र महेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए दाखिल हुए। अब देखना ये होगा कि इस रणभेरी के अंदर कौन इस चुनाव को जीत पाता है। इस प्रकार से आप देखें तो अभी पार्टियों का जो सिंबल है वो भी डिसाइड होना है। भारतीय जनता पार्टी की आज मंथन हो रहा है, पंचकुला के अंदर बैठक चल रही है। अब देखना ये होगा कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो प्रधान पद के लिए जो टिकट है भारतीय जनता पार्टी की टिकट है वो किन्हें अलॉट होती है और कौन चुनाव के मैदान के अंदर उतर पाता है। और दूसरी पार्टियां भी जो है चुनाव के अंदर सिंबल दे रही हैं। आम आदमी पार्टी का भी सिंबल पर चुनाव हो रहा है, जेजेपी भी सिंबल पर लड़ने की बात है। इन पार्टियों से कौन कौन उम्मीदवार इस चुनाव के रण के अंदर उतरते हैं और किसकी जीत होती है, महेंद्रगढ़ की जनता ये ताज किसके सिर पर रखती है, ये तो आने वाला चुनाव ही बता पाएगा। लेकिन महेंद्रगढ़ के अंदर जो चुनाव का सियासी पारा है वो चढ़ने लगा है। अब चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। आज देखें तो दिन भर जो लघु सचिवालय के अंदर गहमा गहमी लगी रही, नामांकन वाले आते दिखाई पड़े और नगर पालिका के अंदर जो नोडूज लेने वालों की संख्या काफ़ी बताई जा रही है। कल का अवकाश का दिन है, कल नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। अब 2 दिन और शेष बच जाएंगे, उसके देखना ये होगा कि 2 दिन के अंदर कितने लोग नामांकन भरते हैं और महेंद्रगढ़ के अंदर कितने लोगों के बीच में ये चुनाव होता है, अब ये आने वाला समय ही बता पाएगा। और कैथल में भी निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज। वार्ड 16 में विकास को लेकर संतुष्ट नहीं है लोग, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगर यहाँ पर आम जनता की बात की जाए तो अगर बात वार्ड 16 की जाए तो यहाँ पर विकास को लेकर जो लोग हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं।
वीरेंद्रपुरी ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। आज हम वार्ड नंबर 16 का दौरा करने पहुंचे हैं। यहां पर मतदाताओं से पूछने पहुंचे हैं कि जो पिछला यानी इस वार्ड से सीमा कश्यप चेयरपर्सन रही हैं और इस वार्ड में कितना विकास हुआ, तो क्या उसी के आधार पर रिपीट करना चाहेंगे या फिर किसी और को मौका देना चाहेंगे। आज हम वार्ड नंबर 16 में पहुंचे हैं, लोगों से जानेंगे कि यहां पर चेयरपर्सन रही सीमा कश्यप ने कितना विकास करवाया। इसके अलावा क्योंकि अब की बार जो चेयरपर्सन के चुनाव हैं वो डायरेक्ट हैं, जो शहर की सरकार शहर का चेयरपर्सन है वो डायरेक्ट चुना जाएगा, ताकि लोग एक MLA की तरह डायरेक्ट चेयरपर्सन चुन सके। क्योंकि पिछली बार अगर बात करूँ तो दो पाँच साल के कार्यकाल में एक चेयरमैन और एक चेयरपर्सन बने थी। पहले BJP का चेयरमैन बना था, उसके बाद सीमा कश्यप कांग्रेस की तरफ से चेयरपर्सन बनी और पूरे 5 साल कुर्सी के लिए खींचतान लगातार चलती रही। इस वक्त हम वार्ड नंबर 16 में हैं, यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत किया, पूरा वार्ड हमने घूम के देखा है। जो सीमा कश्यप जो चेयरपर्सन रही है उनका घर जहां पर है वहां पर काफी ज्यादा विकास कार्य हुए हैं, यानी और कुछ एरिया ये है, इस एरिया में हमने घूम के देखा है कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य है जो उन्होंने करवाए। क्या नाम है? सुदेश कुमार। जो पिछली चेयरपर्सन है उन्होंने विकास कार्य करवाए यहाँ पे? ना जी कोई नहीं, आपको भी दिखाई दे रहा कोई कार्य नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो अब शहर की नई सरकार यानी नया MC आएगा, वो किस आधार पर चुनना पसंद करेगा, क्या कैसा हो, चेहरा देखेंगे या फिर पार्टी देखेंगे? देखो जी, मेरे को तो 70 साल की एज हो गई है, चेहरे भी देख लिए, नई पार्टियां भी आ चुकी हैं, विकास का भी नहीं। आज से मेरा ख्याल है 40 साल हो गए, टोंटियां लगी हुई को पानी किसी में नहीं आ रहा। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है? विक्रम जी। कुछ खींचतान भी हुई थी कुर्सी को लेके, शहर की जो चेयरपर्सन है, इससे पहले BJP का था फिर कांग्रेस का बना, क्या कुछ खींचतान थी और क्यों मान लो ये खींचतान बनी? बहुत ज्यादा हुई थी जी खींचतानी, तो वो उस पर फिर लग गए थे आरोप, भाई पैसे पूसे लिए ठेकेदार, पता है इसकी वजह से वो नीचे उतार दी कुर्सी। तो देखना होगा इस बार नगर सरकार में किसका डंका बजता है। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।